हाई गाइज वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ लीगल एजाफ टॉलेज मैं हूँ मानसी और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अब क्लैट पीजी और एड पीजी दोनों के एग्जाम में अप्रॉक्सिमेटली दो महीने का टाइम बचा है और बहुत सारे बच्चों का एक डाउट आ रहा है कि मैम अगर सिर्फ एलिट पीजी को टारगेट करना है तो कैसे करें अगर सिर्फ क्लैट पीजी को टारगेट करना है तो कैसे करें और दोनों ही एग्जाम्स के लिए क्या सेपरेट प्रेपरेशन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए तो इसी पर हम डिस्कशन करेंगे थोड़ा देखेंगे कि क्या पैटर्न में डिफरेंस है पैटर्न में जो डिफरेंस है उसके हिसाब से आप अपनी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी में कैसे डिफरेंस ला सकते हैं अगर आपको सिर्फ एलेट को टारगेट करना है तो आपको क्या करना है और अगर आपको सिर्फ क्लैट पीजी को टारगेट करना है तो आपको क्या करना है इन सभी को हम डिस्कस करेंगे सो गो शेयर दिस वन जो क्लैट पीजी या एलेट पीजी देना चाहते हैं मास्टर्स परस्यू करना चाहते हैं लॉ में एंड लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू चैनल नॉट येट सब्सक्राइब ठीक है सो क्लैट पीजी वर्स इज एलेट पीजी क्या होता है क्लैट पीजी का एग्जाम

तो कुछ लैंडमार्क जजमेंट्स बट बेसिकली कंटेम्प्री लीगल न्यूज कंटेम्प्री लीगल जजमेंट्स के बेसिस पे आपका क्लैट पीजी का पेपर होता है इसमें से पैसेजेस होते हैं पैसेजेस कितने भी हो सकते हैं कभी ट्वेल्व पैसेजेस होंगे फॉलोड बाय टेन क्वेश्चन ईच ठीक है कभी क्या होगा कभी ट्वेंटी फोर पैसेजेस होंगे फॉलोड बाय फाइव क्वेश्चन ईच ठीक इसी तरीके से कभी यहाँ पर 18 पैसेजेस होंगे फॉलोड बाय सिक्स क्वेश्चन ईच तो दैट इज हाउ दे कंडक्ट द पेपर यहाँ पे कोई फिक्स पैटर्न नहीं है कि इतने पैसेजेस आएंगे और इतने क्वेश्चन आएंगे ऐसा कुछ नहीं मतलब क्वेश्चन आएंगे टोटल वन ट्वेंटी बट हर पैसेज पे कितने क्वेश्चन आएंगे वो कुछ भी फिक्सड नहीं है तो वन ट्वेंटी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होते हैं हर सही आंसर के लिए आपको एक मार्क मिलता है और हर रॉन्ग आंसर के लिए पॉइंट टू फाइव की नेगेटिव मार्किंग होती है ठीक सिलेबस uh, क्या है सिलेबस कुछ भी डिफाइंड नहीं है एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दिया है और बहुत ही इंक्लूसिव सिलेबस है तो वो कहते हैं कि लॉ सब्जेक्ट्स सच एज कॉन्स्टिट्यूशन क्रिमिनल लॉज कमर्शियल लॉज कंपनीज एक्ट लेबर लॉ टैक्स लॉ एक्सेट्रा ठीक है तो बहुत सारी चीजें और भी आ सकती हैं बट एक लिस्ट क्या है सिलेबस की वो ऑलरेडी एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है जिसमें मैंने क्लैट पीजी सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न डिस्कस करा है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं उसके अलावा पैटर्न uh, बेसिकली आपके जजमेंट बेस्ड यहाँ पर रहते हैं ठीक पीजी की अगर हम बात करें तो एल पीजी के एग्जाम में आपके हंड्रेड एमसीक्यूज होते हैं हंड्रेड एमसीक्यूज क्यूज बेस्ड आउट ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ तो यहां पर भी इन्होंने सिलेबस को कुछ डिफाइन नहीं करा इन्होंने सिर्फ लिख दिया है डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लॉ तो आपने अपने एल एल बी में जितना भी लॉ पढ़ा है वो सब ये यहाँ भी पूछ सकते हैं वो सारा का सारा लॉ ये क्लैट पीजी के पेपर में भी पूछ सकते हैं ठीक हंड्रेड एम सी होते हैं हर सही आंसर के लिए एक मार्क मिलता है टोटल टाइम होता है वन ट्वेंटी मिनट और जीरो पॉइंट टू फाइव की नेगेटिव मार्किंग होती है फॉर रॉन्ग आंसर तो पेपर पैटर्न अगर आप सही गलत नेगेटिव मार्किंग की बात करो तो सेम है बस एक चीज का डिफरेंस है कि क्लैट पीजी में क्या आते हैं जजमेंट्स आते हैं एलेट पीजी में जजमेंट्स के बेसिस पे कोई पैसेज नहीं आता ठीक अब यहां पर आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर आप तैयारी कर रहे हो एलेट पीजी की इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एलेट पीजी, अगर आपका गोल नंबर वन क्या है एलेट पीजी, कि आपका तो फिक्स है आपको नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली से ही एलएलएम एल परस्यू करना है ये आपने अगर डिसाइड कर लिया है इस सिचुएशन में आपको जजमेंट्स को लेकर बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है ठीक यहां पर आएंगे मैक्सिमम फाइव टू सिक्स क्वेश्चंस आउट ऑफ जजमेंट्स, पांच से छह सवाल आएंगे जिसमें ये जजमेंट्स पूछ रहे होंगे इसमें भी लैंडमार्क जजमेंट्स होंगे और कुछ रीसेंट जजमेंट्स होंगे तो रिसेंट हैं दो से तीन क्वेश्चंस और लैंडमार्क जजमेंट्स पे आएंगे दो से तीन questions. तो जब आप अपना लॉ रिवाइज कर रहे हो लॉ मतलब क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्रिमिनल लॉ मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट इंडियन एविडेंस एक्ट सी आर पी सी आई पी सी ओल्ड वाला एंड न्यू वाला बी एन एस बी एस ए बी एन एस एस ठीक है फिर आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंपनीज एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ठीक है मतलब कॉमर्शियल लॉ में बात करें तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंपनी एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट क्रिमिनल लॉ में बात करें तो वो आपके तीन लॉज ग्रांड नॉर्म आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रूडेंस ज्यूरिस बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और उसके बाद आपका बचता है एक दूसरा दो और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट जो है फैमिली लॉ और है एक आपका एनवायरमेंट लॉ और फिर आपका एडीआर आप पढ़ सकते हो टैक्स पढ़ सकते हो और लेबर पढ़ सकते हो इतना आपको कवर करना है एलिट पीजी के लिए और यही सब्जेक्ट है जो आपको क्लैट पीजी के लिए भी कवर करने तो अगर हम सब्जेक्ट्स की बात करें तो सब्जेक्ट जो आपको कवर करने हैं वो सारे सेम है कौन कौन से सब्जेक्ट्स कवर करने हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर आपका न्यू वाला जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है फिर आता है यहाँ आपका सी आर पी सी या बी एन एस एस देन कम्स आई पी सी और बी एन एस ठीक है, फिर आएगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देन कम्स फैमिली लॉ फैमिली लॉ के बाद आपको यहां पे करना है कंपनीज एक्ट आफ्टर कंपनीज एक्ट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट टीपीए देन कम्स योर एडीआर विच इज आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट बेसिकली आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट और लॉ के सब्जेक्ट्स में आपको करना होता है लेबर लॉ टैक्स लॉ एंड एनवायरमेंट लॉ दो चीजें छोड़ दी मैंने जो बहुत इंपॉर्टेंट है विच इज ड्यूर एंड पब्लिक इंटरनेशनल लॉ ठीक है तो ये जो आपके सब्जेक्ट है ये सारे बट इंपॉर्टेंट नहीं है कौन से है? ऐसे जो क्लार्क पीजी के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्लार्क पीजी के लिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता मतलब इंपॉर्टेंट है बट कम इंपॉर्टेंट है ठीक है फिर एक और सब्जेक्ट होता है आपका जिसे हम बोलते हैं एनआईए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट ये भी पीजी के लिए उतना इंपॉर्टेंस नहीं रखता अगर हम टैक्स की बात करें टैक्स से हर साल क्वेश्चन नहीं आता तो टैक्स ऐसा है कि अगर कोई कंटेम्प्री जजमेंट आया है तो टैक्स इंपॉर्टेंट होगा पर इस बार आपके पास कंटेम्प्रेरी जजमेंट है रॉयल्टीज नॉट टैक्स वाला तो टैक्स क्लैक पीजी के लिए भी इंपॉर्टेंट है उसके अलावा ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये जितने भी सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे इन्विस्ट करें ये सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर जो जजमेंट्स आएंगे उन जजमेंट से क्वेश्चन आएगा क्लैट पीजी में और ये सारे सब्जेक्ट्स का जो नॉलेज है ये सारे सब्जेक्ट्स के नॉलेज पर क्वेश्चन आएगा एल एट पीजी में ठीक अब स्ट्रैटेजी प्रेपरेशन स्ट्रैटेजी में सिर्फ एक डिफरेंस है कि अगर आपको एल एट पी का पेपर देना है तो आपको सिर्फ ये सब्जेक्ट्स पढ़ के जाना है यू ओनली डू दीज ओनली डू दीज सब्जेक्ट्स और इन सब्जेक्ट के साथ अगर आप थोड़ा बहुत लीगल न्यूज देख रहे हो अगर आपको साल में जो दो चार बहुत इंपॉर्टेंट केसेस आए हैं उनके बारे में पता है और अगर आप इन सब्जेक्ट्स के साथ लैंडमार्क केसेस को कवर करते जा रहे हो जो इन सब्जेक्ट्स के लैंडमार्क केसेस हैं बस दैट इज इट फॉर एल पीजी बस इतना ही करना है एल पीजी में ठीक है तो एल पीजी में कॉन्सेप्ट का नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है आपको सेक्शन नंबर भी पता होना चाहिए आपको सेक्शन का कंटेंट भी पता होना चाहिए सेक्शन के असेंशियल पॉइंट्स क्या हैं मतलब सेक्शन के बारे में आपको इन डिटेल हर चीज पता होनी चाहिए और उससे रिलेटेड जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं सॉरी लैंडमार्क जजमेंट्स जो भी हैं उससे रिलेटेड वो भी आपको यहां पर पता होने चाहिए ठीक है लैंडमार्क जजमेंट्स ठीक और अगर हम बात करते हैं क्लैट पीजी की तो अब क्लैट पीजी में क्योंकि किसी भी जजमेंट को समझने के लिए आपको ये पता होना तो जरूरी है अगर आपको लॉ ही नहीं पता होगा तो आप किसी जजमेंट को नहीं समझ सकते ठीक है क्लैट पीजी के पेपर में आता जरूर है जजमेंट बेस्ड पैसेजेस बेस्ड आता है जजमेंट के पैसेजेस उठा के आपसे पूछा जरूर जाता है बट अल्टीमेटली जजमेंट से पूछा क्या जाएगा तो जजमेंट में से पूछा तो यहां भी लॉ ही जाता है तो जो बट कौन सा लॉ वो वाला लॉ जो जजमेंट में डिस्कस करा गया है तो जजमेंट में जो लॉ डिस्कस करा गया है उस लॉ का आपको सेक्शन नंबर पता होना चाहिए उस लॉ के असेंशियल इंग्रेडिएंट्स पता होने चाहिए कि क्या चीजें जरूरी है और उस लॉ से रिलेटेड जो लैंडमार्क केसेस हैं वो भी आपको पता होने चाहिए ठीक तो प्रेपरेशन प्रिलिमिनरी प्रेपरेशन जो फर्स्ट स्टेज प्रेपरेशन है वो एल एड पीजी और क्लैर्ट पीजी के लिए एकदम सेम है बस क्लैट पीजी में आपको एक चीज एक्स्ट्रा करनी है और वो एक्स्ट्रा चीज है रीसेंट जजमेंट्स ठीक है क्योंकि आप लैंडमार्क जजमेंट्स तो एल पीजी के लिए भी कर रहे हो तो क्लैट पीजी के लिए वन मोर एक्स्ट्रा थिंग विच यू हैव टू डू इज रीसेंट जजमेंट्स जब आप रीसेंट जजमेंट्स करोगे रिसेंट जजमेंट्स का क्या मतलब होता है 2022 से लेके 2024 तक के जजमेंट्स करने हैं पास्ट थ्री इयर्स मिनिमम पास्ट थ्री इयर्स के जजमेंट आपको करने हैं क्लैट पीजी के लिए तो आपको स्टार्टिंग यहीं से करनी है ये सारे लॉ के सब्जेक्ट्स अपने रिवाइज करो प्रॉपरली और अगर क्लैट पीजी मेन टारगेट है तो इन लॉ के सब्जेक्ट्स को रिवाइज करते जाओ बट साथ में रोज दो से तीन घंटा मिनिमम टू टू थ्री आवर्स आप अपनी जजमेंट रीडिंग पर दो जजमेंट्स पढ़ो लाइव लॉ से ब्लॉग्स पढ़ो एस सी सीलाइन से भी मिल रहे जो भी इंपॉर्टेंट जजमेंट्स हैं उनको पढ़ो ठीक अगर आपको सिर्फ एल एड पीजी की तैयारी करनी है तो आप बस इन सब्जेक्ट्स का प्रॉपरली रिविजन करो और इनसे एसोसिएटेड जो केसेस हैं लैंडमार्क केसेस उनको पढ़ते जाओ ठीक है यही डिफरेंस है एल एड पीजी और क्लाट पीजी में हाँ कुछ बच्चे ऐसे जिन्हें ये लग रहा है कि मैम हम तो क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं अगर आप क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हो तो एलेट e पीजी आपके लिए इजी है आप एलेट e पीजी भी क्रैक कर सकते हो और मैं ये क्यों कह रही हूं क्योंकि अल्टीमेटली क्लैट पीजी की तैयारी के लिए ये सब तो आपने पढ़ा ही है ना ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपने क्लैट पीजी की प्रेपरेशन के लिए पढ़े हैं वही सब्जेक्ट क्लैट पीजी और एल पीजी में एक वीक का डिफरेंस होता है एक हफ्ते का टाइम मिलता है उस एक हफ्ते में उठा के सिर्फ इनको एक बार रिवाइज कर लेना और केसेस को छोड़ देना केसेस से कोई लेना देना नहीं है इन सब्जेक्ट्स को बस हम एक बार रिवाइज करेंगे एक हफ्ते में और एक हफ्ते बाद हमें एल एट का एग्जाम दे देंगे ठीक है तो जो क्लैट पीजी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें एल का एग्जाम जरूर देना चाहिए और जो एलेट पीजी की तैयारी कर रहे हैं थोड़े जजमेंट्स पढ़ लो और तुम क्लाट पीजी का भी एग्जाम दे सकते हो ठीक एक मेजर डिफरेंस जो है एलेट पीजी के थ्रू मिलती है आपको सिर्फ एक यूनिवर्सिटी विच इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी डेली ठीक क्लाट पीजी के पेपर के थ्रू आपको मिलती है ऑलमोस्ट ट्वेंटी यूनिवर्सिटीज ठीक है तो कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस क्लैट पीजी में ज्यादा है एलेट पीजी में आपको अच्छा कॉलेज सिर्फ तब मिलेगा अगर जनरल कैटेगरी में आपकी रैंक आ रही है ए आई आर फोर्टी के आसपास ठीक है ए आई आर फोर्टी टू फिफ्टी के बीच में अगर आपकी रैंक है ना एलेट पीजी में तो आपको नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली मिलेगा जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूं और रिजर्व कैटेगरी की भी अगर बात करें तो वन फिफ्टी टू हंड्रेड रैंक तक जाता है उसके ऊपर नहीं जाता ठीक है, है तो इसलिए एलेट पीजी तो दो अगर मन है ऑबियसली एलेट पीजी दो बट क्लैट पीजी को मत छोड़ना क्योंकि यहाँ स्कोप ज्यादा है यहाँ यूनिवर्सिटीज ज्यादा इन्वॉल्व है ठीक है अगर अभी भी तुम लोगों को कंफ्यूजन है कि रिसेंट जजमेंट्स कहाँ से करें क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि दो महीने बचे हैं किस तरीके से टारगेट कर सकते हैं एग्जाम को टॉप रैंकर्स डॉट कॉम विजिट करो ऑनलाइन कोर्सेज प्लस लॉ ऑफिसर क्लैट और हमारा ये एक न्यू बैच है जो सेवेंथ अक्टूबर को लॉन्च होने वाला है इस बैच का पूरा पर्पज ही ये है जिसमें इसमें एक तरीके से पूरा रैपिड रिविजन करवाया जाएगा सारे सब्जेक्ट का रैपिड रिविजन होगा और जजमेंट बेस्ड कोर्स है तो इसमें आपको सारे जजमेंट्स के पीडीएफ पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको पुराने रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी मिल जाएंगे अगर आपको किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट को डिटेल में देखना है तो ठीक है और इस बैच को लेके एक चीज हो जाएगी कि तुम किसी डिसेंट एनएलयू को जरूर क्रैक कर लोगे अगर तुम यहां से पढ़ लेते हो ठीक थी, है ओके okay, बस दिस वॉज इट फ्रॉम माई साइड टूडे गाइज आई होप तुम लोगों को थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि क्लैट पीजी वर्सेज एलेट पीजी किसकी प्रेपरेशन कैसे करी जाए Uh, किस तरीके से दोनों को साथ में कोऑर्डिनेट किया जा सकता है इफ दिस गेव यू सम क्लैरिटी देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टेक केयर ऑफ यूर सेल्व एंड बाय